नमस्कार, मैं हूं शिवानी। आज 27 जुलाई। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब सरकारी कर्मचारियों के कामकाज की होगी मॉनिटरिंग। शिक्षा मंत्री ने एमयू का सेशन 6 महीने में ठीक करने का किया दावा। अब हाई स्कूलों में होगी आईटीआई की पढ़ाई। बिहार कैडर के 26 आईएएस अफसरों का हुआ प्रमोशन। मौसम विभाग ने इन दिनों के लिए जारी किया अपडेट। चलिए अब बढ़ते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन आर्मी ने विभिन्न पदों पर निकाली रिक्तियां। इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर नदर्न कमांड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने विभिन्न पदों जैसे सिविलियन, मोटर ड्राइवर, व्हीकल मैकेनिक, क्लीनर, फायरमैन, मजदूर के कुल मिलाकर 23 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण होने के साथ ही संबंधित क्षेत्र में 1 से 2 साल का कार्य अनुभव होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 अगस्त 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.mod.gov.in या indianarmy.nic.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे कुमकुम की। कुमकुम एक भारतीय अभिनेत्री थी। उन्होंने अपने करियर के दौरान लगभग 115 फिल्मों में अभिनय किया। वह बॉम्बे में मिस्टर एक्स, मदर इंडिया, सन ऑफ इंडिया, कोहिनूर, उजाला, नया दौर, श्रीमन फंटूस, एक सपेरा एक लुटेरा, गंगा में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। लहरीन, राजा और रंग, आँखें, ललकार, गीत और एक कुवारा एक कुवारी। उन्होंने अपने युग के कई फिल्म नायकों के साथ जोड़ी बनाई और किशोर के साथ भूमिकाओं में लोकप्रिय थी। कुमकुम ने भोजपुरी फिल्में में भी अभिनय किया है, जिसकी शुरुआत गंगा मैया दोहे पेड़ी चढ़ाई वो से हुई, जो पहली भोजपुरी फिल्म भी थी। देश में 5100 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे नरेश सीजापति ने उप मुख्यमंत्री से की मुलाकात। बिहारियों की प्रतिभा का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि क्षेत्र चाहे जो भी हो, बिहारियों का बोलबाला हर जगह देखने को मिलता है। इसी कड़ी में 5100 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा कर रहे नरेश सीजापति नामक पदयात्री ने बीते दिन बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की, जहाँ पर उप मुख्यमंत्री ने उनके प्रयास की सराहना की तथा उनके अभियान की सफलता तथा आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। ज्ञात हो कि नरेश की पदयात्रा का मकसद पूरे देश में घूमकर प्रवासी मजदूरों की समस्याओं से देशवासियों को अवगत कराना है। उन्होंने मुंबई से अपनी पदयात्रा शुरू की है और देश के 10 राज्यों के 150 जिलों में 5100 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा करेंगे। अब सरकारी कर्मचारियों के कामकाज की होगी मॉनिटरिंग। आराम की नौकरी की होड़ में सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी अब बिना काम किए सुकून भरी जिंदगी नहीं जी पाएंगे, क्योंकि अब बिहार के सभी सरकारी कर्मचारियों के काम की समीक्षा होने वाली है। इस फैसले का सबसे ज़्यादा असर भवन निर्माण विभाग के कर्मचारियों पर पड़ने वाला है, जिसके तहत ही भवन निर्माण विभाग ने विभाग के 50 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों की कार्यदक्षता और व्यवहार कुशलता की परख के लिए 4 समिति बनाई है। इसको लेकर प्रशासन विभाग की तरफ से 2 साल पुराने आदेश के आलोक में हुआ है, जिस वक्त सभी विभागों को निर्देश दिया गया था कि वे अपने अधीन काम करने वाले समूह क, ख, ग और घ स्तर के राज्य के कर्मचारियों की कार्यदक्षता और व्यवहार की जांच करते हुए इसकी रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग को दें। डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 एडमिट कार्ड में सुधार के लिए इस दिन है अंतिम तारीख। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना है। जिन्होंने भी डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म भरा है, उनका डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। वैसे विद्यार्थी जो इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उनके पास 28 जुलाई तक का समय है। वह अपने एडमिट कार्ड में पाए गए किसी भी प्रकार की त्रुटि को सही करवा सकते हैं। अभ्यर्थी समिति के वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर एडमिट कार्ड में सुधार करा सकते हैं। त्रुटि के सुधार के लिए अभ्यर्थियों को 200 रुपये का आवेदन शुल्क भी जमा कराना होगा। बिहार के रोहतासगंज में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। रोहतासगंज बिहार में कैमूर पहाड़ी और सोन नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन ग्राम है, जो अपने इतिहास प्रसिद्ध दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। लोक श्रुति है कि महाराज हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व के नाम पर इसका नामकरण हुआ था।
प्राचीन काल में इनका एक मंदिर भी यहाँ स्थित था, जिसे मुगल बादशाह औरंगजेब के शासन काल में तोड़वा दिया गया था। रोहताशगढ़ से बंगाल के महासामंत शशांक, जो महाराज हर्ष के समकालीन था तथा जिसने हर्ष के भाई राजवर्धन का युद्ध में वध किया था, एक अभिलेख प्राप्त हुआ था। मध्यकाल में रोहतासगढ़ का दुर्ग भारत के सुदृढ़तम किलों में गिना जाता है और अपनी स्थिति के कारण बंगाल का दूसरा नाका कहलाता था। पहला नाका चुनारगढ़ था। NIA के IGI बिहार जांच हुई शुरू। बिहार में जारी फुलवार शरीफ टेरर मॉड्यूल की चर्चा बिहार में बीते लंबे समय से हो रही है। इसको लेकर जांच पड़ताल भी लगातार किए जा रहे हैं। इसी बीच अब इस मामले की गंभीरता को समझते हुए गृह मंत्रालय ने अनुमति मिलने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने जाँच शुरू कर दी है। इसको लेकर बीते दिन NIA IG आशीष बत्रा दिल्ली से पटना पहुंच गए हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और गजवाए हिंद के केस को लेकर उन्होंने बिहार ATS के साथ बैठक की। मिल रही जानकारी के अनुसार NIA हाल ही में पटना पहुंची है और इससे जुड़ी ATS से और बिहार पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों पर अध्ययन कर रही है। शिक्षा मंत्री ने MU का सेशन 6 महीने में ठीक करने का किया दावा। मगध यूनिवर्सिटी की लापरवाही चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। लाखों की संख्या में ग्रेजुएशन कर रहे छात्र परीक्षा के आयोजन और रिजल्ट प्रकाशित होने की लेट लतीफी से परेशान हैं। ना जाने कितने विद्यार्थियों ने समय पर ग्रेजुएशन पूरा नहीं हो पाने की वजह से बड़े परीक्षाओं के आयोजन में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इसको लेकर विद्यार्थियों ने कई बार प्रदर्शन कर नाराजगी भी जाहिर की है, लेकिन विश्वविद्यालय के कुलपति और शिक्षा विभाग के कान पर जूं तक नहीं रेंगते। हालांकि इस बीच शिक्षा विभाग की तरफ से इन विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर आई है। आपको बता दें कि बीते दिन मंगलवार को जल्द से जल्द सत्र नियमित करने की मांग को लेकर छात्रों ने राजभवन मार्च किया। मगध यूनिवर्सिटी के छात्रों के राजभवन मार्च पर शिक्षा मंत्री ने विजय चौधरी ने दावा किया है कि 6 महीने में यूनिवर्सिटी का सेशन ठीक होगा। अब हाई स्कूलों में होगी ITI पढ़ाई। इंजीनियर बनने की ख्वाहिश रखने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। बिहार के हाई स्कूल में भी अब ITI की पढ़ाई की जाएगी। दरअसल जिन प्रखंडों में ITI कॉलेज नहीं है, उन जगहों के हाई स्कूल में यह प्राथमिकता दी जाएगी। फिलहाल राज्य में ऐसे प्रखंडों की संख्या 210 है जहाँ एक भी सरकारी या गैर सरकारी ITI कॉलेज नहीं है। वहीं कितने ऐसे प्रखंड हैं जहाँ MSTI के तहत प्रशिक्षण नहीं हो रहा है। श्रम संसाधन विभाग हाई स्कूल के अलावा अलग से ITI खोलने की प्रक्रिया में भी जुट गया है। विभाग ने हाल ही में ITI कॉलेज खोलने के लिए आवेदन मांगे थे, जहां 500 से अधिक आवेदन विभाग को प्राप्त हुए हैं। मंकी पॉक्स को लेकर बिहार सरकार ने किया अलर्ट। कोरोना का खतरा कम हुआ नहीं कि अब मंकी पॉक्स का खतरा सताने लगा है। यह संक्रमण एक देश से लेकर दूसरे देश में फैलते हुए भारत पहुंचा और अब एक राज्य से दूसरे राज्य होते हुए इसका बिहार तक पहुंचने की आशंका है। आपको बता दें कि बीते दिन आई एक रिपोर्ट के मुताबिक खबर लिखे जाने तक राजधानी पटना में एक व्यक्ति मंकी पॉक्स संदिग्ध पाया गया। इसको लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ बिहार सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है। बाहर से आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है। वहीं WHO ने भी हाल ही कुछ दिन पहले इसको लेकर हेल्थ इमरजेंसी घोषित की थी। इस बार ऐतिहासिक होगा पितृपक्ष मेला। कोरोना महामारी की वजह से बाधित पितृपक्ष मेला इस बार ऐतिहासिक होने वाला है। जी हां, आने वाले 9 सितंबर से शुरू होने वाले पितृपक्ष मेला के लिए गया के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन लगातार बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में पंडा समाज, स्थानीय प्रतिनिधि, समाजसेवियों के साथ ही संवाद सदन समिति में बैठक कर तैयारियों की जानकारी लेते हुए कई आवश्यक निर्देश भी दिए, ताकि इस बार पितृपक्ष मेला को ऐतिहासिक बनाया जा सके। वहीं पितृपक्ष मेला को ऐतिहासिक बनाने के लिए बिहार का पहला डैम भी बनकर तैयार होगा, जहां इस बार दूर दराज से आने वाले तीर्थयात्री रबर डैम के पानी से पिंडदान और तर्पण कर सकेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि उन्होंने इस बार पितृपक्ष मेला को ऐतिहासिक बनाएंगे। बिहार सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी को दी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। 1993 बैच के IAS अधिकारी उदय सिंह को बिहार सरकार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1993 बैच के अधिकारी को 5 अगस्त 2022 के प्रभाव से सेवानिवृत्ति दी है। उन्होंने 7 जून 2022 को इस संबंध में आवेदन दिया था। इसके बाद सरकार ने समीक्षा के बाद अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का निर्णय लिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी उदय सिंह कुमावत कई विभागों में प्रधान सचिव रह चुके हैं। वर्तमान में बिहार राज्य योजना परिषद में परामर्शी के पद पर पदस्थापित हैं।
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ठिकानों पर निगरानी विभाग का छापा। सरकार के नाक के नीचे सरकारी अफसर अवैध कमाई कर धन कुबेर बनते जा रहे हैं। हालांकि ऐसे धन कुबेरों पर बिहार सरकार लगातार शिकंजा कस रही है। इस दौरान बिहार में स्पेशल विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंजीनियर अनिल कुमार यादव के राजधानी पटना सहित कई ठिकानों पर छापा मारा है, जिसके बाद उनके पास करोड़ों की संपत्ति का पता चला है, जो उनके ज्ञात स्रोतों से करीब 5 गुना अधिक है। मिली जानकारी के अनुसार इनके पास 35 लाख रुपए के जेवरात और 2 लाख नगद मिले हैं। अभियुक्त ने बैंक चेक के माध्यम से 75 लाख रुपए का व्यय विभिन्न मदों में किया है, साथ ही 9 लाख रुपए विभिन्न वित्तीय संस्थानों में निवेश किया है। तलाशी के दौरान इनके पास से स्कॉर्पियो और होंडा सिटी कार के अलावे 2 बाइक मिली है। अनिल कुमार यादव ने रियल एस्टेट में भी काफी निवेश किया है। वहीं पटना के मनेर सहित और भी जगह उनके नाम जमीन के कागजात मिले हैं। बिहार कैडर के 26 आईएएस अफसरों का हुआ प्रमोशन। बिहार कैडर के 26 आईएएस अफसरों का प्रमोशन किया गया है। इन सभी आईएएस अधिकारियों को अपर सचिव स्तर में प्रोन्नति दी गई है। इनमें से 13 ऐसे अधिकारी हैं जो सेवानिवृत्ति हो चुके हैं, वहीं 2 अधिकारियों का निधन हो चुका है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस सूची में ऋषिदेव झा, सतीश कुमार शर्मा, जीयूत सिंह, संजय कुमार उपाध्याय, सुरेश चौधरी, श्रीराम ईश्वर और ओम प्रकाश यादव ऐसे जो अपर सचिव का पद ग्रहण करेंगे। बाकी बचे आईएएस अधिकारी या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या फिर उनका निधन हो चुका है। छूटे हुए घरों को जल्द मिलेगी नल जल एवं गली नाली पक्कीकरण योजना का लाभ। 7 निश्चय योजना के तहत राज्य के हर गली मोहल्ले में चलाई जा रही नल जल एवं गली नाली पक्कीकरण का काम अब बचे हुए बसावटों एवं लाभुकों को जल्द दिया जाएगा। उक्त बातें पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर कही। उन्होंने बताया कि हर घर नल का जल एवं हर घर पक्की गली नाली योजना के अंतर्गत छूटे हुए घरों या बसावटों को 15वें वित्त आयोग की टाइड अनुदान की प्रथम 30% करनांकित राशि एवं 6ठे राज्य वित्त आयोग की विकास निधि एवं सामान्य निधि की राशि से आच्छादित किया जाएगा। साथ ही इसी योजना अंतर्गत सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार एवं उसके बगल में सोख्ता निर्माण का कार्य किया जाएगा। बीजेपी जदयू के गठबंधन को लेकर कुशवाहा का बड़ा बयान। बिहार में जदयू और बीजेपी के गठबंधन को लेकर हमेशा यह सवाल चर्चे में रहता है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे निकलकर सामने आते हैं जहां बीजेपी और जदयू के नेताओं में आपसी सहमति नहीं होने की वजह से बयानबाजी शुरू हो जाती है। ऐसा ही कुछ एक बार फिर देखने को मिला है। जदयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी और जदयू में पहले वाली बात नहीं रही। वहीं जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बीजेपी और जदयू के बीच आगे गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है। उनके इस बयान से बिहार एनडीए में बवाल मचा हुआ है। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा के बयान का जवाब देते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि हमारा बिहार के विकास के लिए गठबंधन है। अब तेजी से निपटाए जाएंगे एमपी एमएलए के विरुद्ध लंबित आपराधिक मामले। बिहार के अब सभी पूर्व एवं वर्तमान सांसदों विधायकों के विरुद्ध लंबित आपराधिक मुकदमों के निष्पादन का काम होने वाला है। इसको लेकर पटना हाईकोर्ट के निष्पादन के लिए गृह विभाग के प्रधान सचिव को 3 सप्ताह में हलफनामा देने का निर्देश दिया गया है। इसको लेकर बीते दिन चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ के समक्ष वर्तमान और पूर्व एमपी और एमएलए के विरुद्ध आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सुनवाई की गई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया था कि वर्तमान और पूर्व एमपी और एमएलए के विरुद्ध कुल 598 आपराधिक मुकदमे लंबित हैं, जिसमें अधिकतर केस में अनुसंधान पूरा हो गया है। समय से दवा आपूर्ति नहीं करने वाली कंपनियों पर स्वास्थ्य विभाग ने कसा शिकंजा। स्वास्थ्य विभाग ने बिहार के सरकारी अस्पतालों में समय से दवा आपूर्ति नहीं करने वाली दवा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत राज्य स्वास्थ्य समिति ने ऐसे 23 कंपनियों पर कार्रवाई की है जो प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में समय से दवाई का आपूर्ति नहीं करते हैं। सभी कंपनियों को जल्द से जल्द जवाब देने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा उन कंपनियों को काली सूची में दर्ज करते हुए बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के तहत भविष्य में प्रकाशित होने वाली निविदाओं में भाग लेने पर रोक लगा दी जाएगी। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने इन सभी दवा कंपनियों को अलग अलग नोटिस जारी किया है।
आईसीएसई टॉपर को किया गया सम्मानित। बीते दिन आईसीएसई बोर्ड की टॉपर रही नेहा को जिलाधिकारी पटना डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सम्मानित किया। इस दौरान समाहरणालय में जिलाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित सम्मान समारोह के अवसर पर छात्रा के माता पिता, भाई एवं बहन भी उपस्थित रहे। डीएम डॉक्टर सिंह ने कहा कि नेहा ने जिला के साथ साथ राज्य का भी नाम रोशन किया है। उन्होंने छात्रा से उनके लक्ष्य के बारे में पूछा और अपनी शुभकामनाएं दी। वहीं इस दौरान डीएम डॉक्टर सिंह ने सुश्री नेहा के उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ सफलता के उत्तरोत्तर उत्कर्ष की शुभकामनाएं प्रदान किया। इस अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार उपस्थित थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि संजीव कुमार की पुत्री नेहा पटना के ही कार्मेल हाई स्कूल में पढ़ती थी। मौसम विभाग ने इन दिनों के लिए जारी किया अपडेट। मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश को लेकर रिपोर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 27 जुलाई और 28 जुलाई तक अच्छी बारिश हो सकती है। बिहार में बदलते मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने ताज़ा रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट की माने तो आने वाले 2-3 दिनों में मूसलाधार बारिश की पूरी संभावना है। राज्य में मानसून के दस्तक के बाद अच्छी बारिश नहीं हुई है। ऐसे में मूसलाधार बारिश की संभावना किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। पिछले कुछ दिनों में पहले की अपेक्षा अच्छी बारिश हुई है। बिहार में पहली बार होगी भाजपा के साथ मोर्चा की संयुक्त बैठक। बिहार में पहली बार भाजपा के साथ मोर्चा की संयुक्त बैठक का आयोजन होने जा रहा है। तय कार्यक्रम के अनुसार यह बैठक 30 और 31 जुलाई को 2 दिवसीय बैठक होने वाली है। इसको लेकर तैयारियों का सिलसिला जारी है। खबर के अनुसार बैठक का उद्घाटन 30 जुलाई को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करने वाले हैं, जबकि इसका समापन 31 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। ये दोनों अब जल्द ही बिहार आ रहे हैं। इतना ही नहीं, 30 जुलाई को होने वाले प्रधानमंत्री के मन की बैठक कार्यक्रम को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना में सुनने वाले हैं। इसको लेकर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जानकारी साझा की है। साप्ताहिक छुट्टी बदलने को लेकर शिक्षा मंत्री ने डीओ से मांगी रिपोर्ट। मामला किशनगंज का है, जहां कम से कम 19 सरकारी स्कूलों में जुम्मे के लिए रविवार से शुक्रवार तक अपने साप्ताहिक अवकाश को मनमाने ढंग से स्थानांतरित कर दिया है। बिना किसी आधिकारिक अनुमति के सरकारी स्कूलों की साप्ताहिक छुट्टी रविवार से बदलकर शुक्रवार कर देने के मामले में सरकार ने जाँच के आदेश दे दिए हैं। किशनगंज के डीओ से रिपोर्ट मांगी गई है कि मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि डीओ की रिपोर्ट का इंतजार है, रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि स्कूल सरकार के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है और मामले की जांच की जा रही है। UIDAI ने आधार कार्ड फेस ऑथेंटिकेशन ऐप किया लॉन्च। आधार कार्ड आजकल के समय में लोगों के लिए सबसे अहम डॉक्यूमेंट बन चुका है। स्कूल से लेकर कॉलेज, रोजगार से लेकर ITR फाइल करने और आभूषण खरीदने तक और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आधार नंबर की जरूरत पड़ती है। अगर इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी आती है तो हमारा काम बाधित हो जाता है। इतनी ज़रूरी होने के साथ ही इसकी डुप्लीकेसी भी तेज़ी से बढ़ गई है। इसको ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्ड जारी करने वाली संस्थाओं पर रोक लगाने के लिए UIDAI ने ठोस कदम उठाया है, जहाँ आधार फेस आईडी के जरिए आसानी से आधार का फेस ऑथेंटिकेशन किया जा सकता है। आपको बता दें कि UIDAI ने आधार के यूजर्स की पहचान को वेरीफाई करने के लिए फेस आईडी ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके आपके चेहरे को कैप्चर करके आपकी पहचान को वेरीफाई कर लेता है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। इंडियन नेशनल कांग्रेस की शाखा 1889 में ब्रिटिश इंडिया कमेटी को लंदन में दादा भाई नौरोजी, विलियम वेडरबर्न, W.S. कैन और विलियम डिग्बी के नेतृत्व में खोला गया। बाल गंगाधर तिलक 1897 में पहली बार गिरफ्तार किए गए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की लगभग 11 साल में पहली अमेरिकी यात्रा 1982 में हुई। निशानेबाज जसपाल राणा ने 1994 में विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय मूल की प्रसिद्ध लेखिका भारती मुखर्जी का 1940 में जन्म हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पत्नी माता रमाबाई का निधन 1935 में हुआ। पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन 2015 में हुआ था। और आज ही के दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार में मिले COVID-19 के 400 से कम मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 363 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1743 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 9, अरवल में 6, औरंगाबाद में 7, बांका में 7, बेगूसराय में 5, भागलपुर में 20, भोजपुर में 2, दरभंगा में 2, पूर्वी चंपारण में 3, गया में 9, जमुई में 5, जहानाबाद में 10, कैमूर में 6,
कटिहार में 4, खगड़िया में 8, किशनगंज में 12, लखीसराय में 4, मधेपुरा में 5, मधुबनी में 1, मुंगेर में 14, मुजफ्फरपुर में 22, नालंदा में 14, नवादा में 2, पटना में 118, पूर्णिया में 6, रोहतास में 5, समस्तीपुर में 2, सारण में 8, सीतामढ़ी में 8, सिवान में 2, सुपौल में 20 और वैशाली में 9 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 2 ऐसे मरीजों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,23,691 सैंपल की जांच की गई है। इस दौरान 468 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है बासुकी पंजुयारा, राजीव कुमार, राम नवमी मांझी, गौतम कुमार, चंदन झा, प्रियांशु, शंकर प्रसाद, सुनील कुमार, उमेश ऋषिदेव, कविता कुमारी और विजय घायल। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्रिकेट के वनडे, टी20 और टेस्ट मैच में से आपका सबसे पसंदीदा फॉर्मेट कौन सा है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।